सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमृता सिन्हा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफस्टाइल हमारी। तो बस सुबह सुबह का समय है, बस हम निकल चुके हैं वॉक के लिए। तो चलिए सुबह की शुरुआत वॉक से करते हैं। तो वॉक से लौटने के बाद जैसे कि रोज होता है, चाय पीना और पूजा पाठ करना, फिर नहाना धोना और फिर लंच बनाना। तो लंच बनाने के बाद मैंने आज एक स्पेशल डिश बनाया, प्रॉन मसाला करी। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये प्रॉन मसाला करी। आइए बनाते हैं प्रॉन मसाला करी। प्रॉन मसाला करी के लिए मैंने ये 250 ग्राम्स प्रॉन ले लिया है और इसे मैरिनेट करके, हाफ एन आवर मैरिनेट करके रख लिया है। मैरिनेशन में मैंने थोड़ा सा नमक और एक चम्मच नींबू का रस और थोड़ी सी लाल मिर्च, बस इतना ही लिया है और इसे मैरिनेट करके रख दिया है हाफ एन आवर। इसके अलावा इसमें चाहिए कुछ मसाले चाहिए जो कि यहाँ पे रखा है मैंने। ये है कुटा हुआ धनिया, ये गरम मसाला, ये लाल मिर्च एक तीखी वाली लाल मिर्च है, साथ में ये कश्मीरी मिर्च है। इसके अलावा ये है ज़ीरा पाउडर और साथ में सफ़ेद मिर्च कुटा हुआ। तो सफ़ेद मिर्च के जगह आप काली मिर्च भी ले सकते हैं, मैंने सफ़ेद मिर्च लिया है। इसके अलावा स्लिट किया हुआ दो हरी मिर्च लिया है, ये भी आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं। ये एक बड़ा टमाटर है जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक बड़ा प्याज जिसे इस तरह से महीन महीन काट लिया है। अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट है जो कि एक चम्मच भर के दूंगी। इसके अलावा ये है कोकोनट मिल्क। तो ये करीब करीब पौना कप कोकोनट मिल्क मैंने ले लिया। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है अब हमें चाहिए प्रॉन मसाला करी बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉन मसाला करी बनाना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये गैस ऑन कर लेती हूँ और गैस पर एक पैन चढ़ा करके थोड़ा सा करीब करीब एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल के गर्म होते ही सबसे पहले प्याज डलेगा इसमें, थोड़ा गर्म हो जाए फिर ये प्याज। सबसे पहले प्याज को थोड़ा भूनना है और थोड़ा भुना जाएगा तो उसके बाद फिर हरी मिर्च डालूंगे। तो इसे ट्रांसलूसेंट होने तक इसे भून रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ प्याज ट्रांसलूसेंट हो गया है, इसमें अब ये जो हरी मिर्च है ये डाल दूंगी और उसके बाद सारे मसाले एक के बाद एक डालना है। सबसे पहले अदरक लहसुन ये दो चम्मच ये डाल दे रही हूँ। ये अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट है, ये डाल दिया। इसको थोड़ा सा हल्का सा भून लेना है। तो फिर हल्का सा सॉटे करने के बाद फिर बाकी मसाले वन बाय वन डालना है। हरी मिर्च अगर आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पेस्ट में मैंने मिर्च डाला है। पर थोड़ा तीखा प्रॉन के साथ पसंद है इसीलिए मैंने डाला है यहाँ पर। तो अब सबसे पहले डालती हूँ ये जीरा पाउडर और काली मिर्च। ये है हल्दी और नमक, कुटी मिर्च, दोनों लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च और तीखी वाली मिर्च। और इसमें ये जो धनिया पाउडर ये मैंने डाल दिया, गरम मसाला बाद में डालूंगी। तो ये गरम मसाला बचा करके रख रही हूँ। अब इसे थोड़ा सा चला करके बस अब इसमें टमाटर डाल देना। अब ये टमाटर ऐड कर दिया मैंने। अब टमाटर अच्छी तरह से गल जाना चाहिए, तो इसको इस तरह थोड़ी देर ढक देते हैं क्योंकि नमक ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है तो ये थोड़ा सॉफ्ट जल्दी ही हो जाएगा टमाटर।
उसमें जब हल्का सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा भुना जाएगा, तेल छोड़ देगा मसाला, तो उसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी डाल दूंगी, हल्का सा। तब तक इसे थोड़ी देर के लिए ढक देना। ढककर कुछ देर छोड़ देना। तो अब थोड़ी देर के लिए, अब ये पक गया है तो गैस को सिम कर दिया मैंने। ये देखिए काफी अच्छा ही पक गया होगा, कितना अच्छा तेल छोड़ दिया। यहाँ आप देख सकते हैं मसाला कलर भी अच्छा आ गया है। अब इसके साथ थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि पानी मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया है दूसरे बर्नर पे। ये देखिए बिल्कुल गर्म पानी है, इसको थोड़ा सा डालना है। गर्म पानी डालने से अच्छा रहता है, इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा और पकेगा ये टमाटर, थोड़ी देर और पका लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें प्रॉन ऐड करेंगे। तो इसे थोड़ा और पका लेती हूँ, इसे फिर थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, ढक्कन से फिर ढक देते हैं कुछ देर के लिए। तो यहाँ देखिए प्रॉन के लिए ये ग्रेवी तैयार हो रहा है, तो ये करीब करीब तैयार ही हो चुका है। अब ये थोड़ा सा टमाटर बिल्कुल गल जाएगा, इसे अच्छी तरह गलने देते हैं, थोड़ा और ढक देते हैं, और उसके बाद फिर ये प्रॉन ऐड करेंगे इसमें, और फिर प्रॉन। तो फिर से एक बार ढक्कन उठाकर देखते हैं, काफी भुना गया होगा ये। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये टमाटर भी भुन चुका है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे प्रॉन। ये जो प्रॉन है इसको ऐड कर दे रहे हैं। तो चला देंगे, तो इसे थोड़ी देर पकाना है ताकि प्रॉन में भी ये मसाले अच्छी तरह से रच बस जाए। तो इसे भी थोड़ी देर ढककर छोड़ती हूँ। कम से कम 8 से 10 मिनट प्रॉन को इसी ग्रेवी में छोड़ देना। चलिए चेक करते हैं अभी प्रॉन कितना मेरा इसमें पक गया। बहुत ओवर कुक भी नहीं करना इसे। तो ये देखिए इसका, इसकी शक्ल ऐसी है, काफी अच्छा कलर भी आ गया है और प्रॉन भी थोड़ा पक गया है। तो अब इस स्टेज पे इसमें ये कोकोनट मिल्क डालेंगे और फिर थोड़ा सा एक उबाल लाएंगे और उसमें गरम मसाला दे करके और आखिर में ये कटे हुए धनिए को डाल देंगे। ये देखिए करीब करीब ये हो चुका है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये, और इसे चला देंगे। तो ये सारा कोकोनट मिल्क मैंने इसमें 1/2 कप डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा ये जो गरम मसाला था ये डाल दे रही हूँ। आखिर में ये देखिए गरम मसाला मैंने डाल दिया है। अब इसे चला देंगे, थोड़ा सा ऐसे एक उबाल आने देंगे और उसके बाद फिर बंद करेंगे। तो इस तरह आखिर में इसे फिर प्लेटिंग करके धनिया पाउडर डाल देंगे। तो ये देखिए इतना ग्रेवी हम लोग रखते हैं थोड़ा, बस इसे अब यहीं पर गैस को ऑफ कर देते हैं। थोड़ा सा हल्का सा हरा धनिया डाल देते हैं। गैस को मैंने कर दिया है ऑफ। इस तरह से मेरा प्रॉन मसाला तैयार हो गया। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करती हूँ। इसे अब दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए ये
बना है मेरा। तो ये इस तरह से प्रॉन मसाला करी तैयार है। इसमें थोड़ा और हल्का सा धनिया डाल देती हूँ बस। तो ये तैयार हो गया प्रॉन मसाला करी। तो ये देखिए प्रॉन मसाला करी। तो इसे रोटी नान या फिर जीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं, प्लेन राइस के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों खाइए और बनाइए ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर देखिए हमारा ये रेसिपी प्रॉन मसाला करी बिल्कुल तैयार है। तो उम्मीद है आपको पूरी पूरी विधि बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरा देखा भी होगा। आशा है आप ज़रूर बनाएंगी, और अगर आप बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे भी ज़रूर बताइए कि आपका कैसा बना। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी विधि कैसी लगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर इजाज़त लेने के पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उम्मीद है आप मेरा रिक्वेस्ट ज़रूर मानेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।